नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल आपके साथ। आज हम पहुंचे हैं ओल्ड फरीदाबाद की मार्केट में और यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं अपनी समस्याओं को लेकर। क्या है इनकी समस्या, जानेंगे इन्हीं से कि क्या समस्या है इनकी, क्यों आज ये लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम विवेक चौधरी है। विवेक जी, आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं सभी लोग ओल्ड के मार्केट में, क्या परेशानी है, क्या समस्या आ रही है? सर, आप खुद देख सकते हैं कितना कूड़ा पड़ा है यहाँ पर, चार चार ये सांड घूम रहे हैं और ये लोगों को चोट पहुँचा देते हैं। सफाई नहीं है यहाँ पर, मच्छर पनप रहे हैं पीछे, आप देख सकते हो। गंदगी भी बहुत है, इतनी गंदगी है यहाँ पर। यहाँ के लोग बाग जो पास में रह रहे हैं, आप उनसे पूछिए यहाँ पर कितनी गंदगी है। यहाँ से वहाँ तक सारे में गाय होती है, यहाँ से वहाँ तक सारे में कूड़ा होता है। इसको कम्प्लेक्स को कम्प्लेन भी करवाई, कितनी बार कर चुके हैं, नहीं कुछ होता। कम्प्लेक्स वालों ने यहाँ तक रोड बना दी है, वो रोड बन गई है, हमारी ये रोड भी नहीं बनी है। स्ट्रीट लाइट हैं, ये केवल दो जलती हैं, वहाँ से वहाँ तक कोई लाइट भी नहीं जलती। 5 साल से यहाँ पानी की प्रॉब्लम है, पीछे से हमारा वाल बंद करा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ केवल 3 घर हैं। तो क्या 3 घरों को पानी नहीं चाहिए, ये बताइए आप। 5 घर आगे हैं, आगे हैं 5 घर, किसी को यहाँ पानी की समस्या, 5 साल से समस्या ही समस्या हो रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि 5 साल से हम ये सब झेल रहे हैं, जब तक दूसरा पार्षद आएगा बोट मांगेगा, हमारे इस एरिया से कोई बोट नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि जब तक ये हमारी समाधान नहीं होगा इस समस्याओं का, हम वोट नहीं देंगे। कौन सा वार्ड पड़ता है ये? वार्ड नंबर 30 है। और कितनी बार कौन थे पार्षद सर? सर, यहाँ का सुभाष आहूजा, कंप्लेन भी कर चुके हैं स्ट्रीट की, पानी की, कोई काम नहीं होता हमारे यहाँ। घर की सफाई करने के लिए कोई सुनवाई नहीं हुई है 5 साल में। मशीन लगी हुई है वहाँ पर, वहाँ से हम पानी लाते हैं, तब हम कपड़े धोते हैं, अपने घर का काम करते हैं। दो दो दिन पानी हो जाता है, 3-3 दिन पानी के लिए हो जाता है, पानी नहीं आता यहाँ पर। अब दोबारा फिर इलेक्शन आने वाले हैं, हालांकि बहुत डिले हो गए। जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, हम वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे। और आप देख सकते हैं ये जो ये देखे पानी नहीं आता है, ये देखे फरीदाबाद, ये देखे आप सड़क देख सकते हैं कि कितनी बड़ी सड़क है ये, और उस पर भी ये गाय और ये सांड जो आप देख रहे हैं, ये देखे एक गाड़ी की जगह नहीं रहती सड़क पर। और उसके बावजूद यहाँ इस सड़क पर कूड़े का ढेर है, यह देख सकते हैं आप कितनी गंदगी है। और सामने ही दुकान है और ये देखिए पानी भरा हुआ रहता है, जिसकी वजह से इन्हें लोगों को परेशानी हो रही है। और इनकी एक और समस्या है, ये इनका घर है यहाँ पर, दुकान जी है, दुकान क्या नाम है? मेरा नाम जगदीश है, मैं यहाँ का लोकल निवासी हूँ और काफ़ी दिनों से हम परेशानी झेल रहे हैं। ये हमारे पास कस्टमर आते हैं, उनको बाथरूम या टॉयलेट कुछ भी आ जाता तो यहाँ कोई सुविधा नहीं है। तो सुविधा है, ये मेन एंट्री है पुरानी, यहाँ की मेन एंट्री है। और ये फरीदाबाद पार्क का जो पार्क है, बाबा फरीद पार्क, बहुत पुराना है, नंबर पहला पार्क है ओल्ड फरीदाबाद का, बाबा फरीद के नाम से। आप पार्क यहाँ पर जाके देखिए कितनी गंदगी है। ये एंट्री गेट है मार्केट का, यहाँ देखो कितनी गंदगी है, ये आज से लग नहीं सुधरी। और इसकी मैं कई बार, 3-4 बार कंप्लेंट MCF ऑफिस, जो कहना मेन ऑफिसर है, उनको कर चुका हूँ, व्हाट्सएप पर भी भेज चुका हूँ, हर तरीके से कर चुका हूँ, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं हुआ अभी तक। यहाँ पर भी सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं है, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही, कैसी भी सफाई का तो कोई नाम ही नहीं है। को तो आपने ही बनाया था, उसके बाद भी आप गलती हो गई, जो हमने पार्षद बना दिया, चेहरा देख के बनाया था, ऐसा कुछ नहीं है। पार्षद 5 साल के लिए होते हैं, दोबारा भी आएंगे, ऐसी नहीं है कि वो वही रहेंगे। अगर वही यही हाल रहा तो पार्षद दोबारा ये नहीं आएंगे। निकलना ही भारी हो जाता है, बाथरूमों की इतनी स्मेल होती है यहाँ पे, लोग बाहर निकल नहीं सकते यहाँ से। जो भी कस्टमर आता कहता भाई साहब कितनी गंदगी है ओल्ड के अंदर, सेक्टरों में तो सफाई है पानी भी नहीं, लेकिन ओल्ड के अंदर कोई साफ सफाई। सेक्टरों में भी ये हाल है, पूरे शहर में ये हाल है, सारी सड़कें खुदी पड़ी हैं और सीवर की समस्या जो पूरे शहर में, कहीं तो पानी का निकास नहीं है तो कहीं पानी आता नहीं है। हम तो कह रहे हैं हमारा तो काम करवाओ, काम कोई करके राजी नहीं है, नीचे वाले बंदे तो कोई काम करके राजी नहीं है। मोदी जी का चेहरा देख के वोट दी थी, कमेटी में हम जाते हैं, अब कौन हाउस टैक्स वाले इतनी बदतमीजी से हाउस टैक्स का अमाउंट नहीं बताते, कमेटी के अंदर घुसो अगर, कहते हैं कि हम नहीं देखते इसे, हमारा लंच टाइम हो रहा है, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ, लोगों को हाउस टैक्स नहीं बताते, उनमें फाइन चढ़ता रहता है, इतना बुरा हाल है। रोड नहीं है, दुकान की सफाई करने के लिए, घर की सफाई करने के लिए पानी नहीं आता यहाँ पर, इनसे पूछो दुकानदार है यहाँ पे। नमस्कार सर, मेरा नाम दीपक है और मैं यहाँ का दुकानदार हूँ। ये हमारी दुकानें हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी है कि पूरी मार्केट के जो भी दुकानदार हैं वो मूत्र करने इस दीवार पे आते हैं। और पहले, अब गर्मी की वजह से, आज मैं आपको दिखाता हूँ, इस गर्मी की वजह से अब क्या होता है कि ये सारा मूत्र यहाँ रुक जाता है और ये जो है सारी की सारी
बदबू आती है, जिससे हमें दुकानों में बैठने में भी दिक्कत आती है। अब आपके सामने कितनी स्मेल आ रही है, अब ये दिखा सकते हो, यहाँ यहाँ से लेके उस दीवार तक सब बाथरूम करते हैं और पूरी मार्केट का बाथरूम ही है डीपीएस का। साफ पता लग रहा है कि यहाँ पूरा मूत्रालय बना हुआ है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये देखिए दुकानें हैं, ग्राहक भी नहीं आते, इतनी स्मेल आती है, ये पूरी मार्केट है, इतनी स्मेल आती है कि लोग मना करने के बाद भी लड़ाई करते हैं। और हमने यहाँ बल्कि लिखवा भी रखा है, देखो गधे के पुत यहाँ मत, फिर भी लोगों को शर्म नहीं है, लिखवा भी रखा है दीवार पे, फिर भी लिखवा रखा, आप देख सकते हो लोगों को फिर भी शर्म नहीं है। और हम यहाँ पे बैठ भी नहीं सकते हैं, इतनी स्मेल है कि हमें दरवाजे बंद करके बैठना पड़ता है। कम से कम एक टॉयलेट तो बनवा दो। मार्केट के खुद दुकानदार यहाँ आके बाथरूम करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक यहाँ से बहन बेटी गुजरती हैं, माँ बहनें गुजरती हैं, इतना शर्म आती है देखते हुए। हमारी दुकान पे सामने कस्टमर खड़ा होता है और यहाँ पे लोग बाथरूम कर रहे होते हैं, हमें शर्म आ जाती है। तो बताओ हम क्या करें, हमने इतनी रिक्वेस्ट डाली, कोई सुनवाई नहीं करता है, क्या करें। पार्किंग बन रही है मल्टी लेवल इतनी बड़ी, क्या लोगों को ये घर में पानी नहीं दे सकते, एक वॉशरूम नहीं बन सकता ओल्ड फरीदाबाद के अंदर, रोड नहीं रिपेयर हो सकती। दिक्कत आती है लेडीज को, जो मार्केट में आती है ना, कस्टमर जो आते हैं वो इतने परेशान होते हैं। मेरे यहाँ पीछे मेरे पास अपना पर्सनल टॉयलेट है, मैं उनके अंदर उनको लेडीज को भेजता हूँ कि आप जाओ मैं खड़ा हूँ, पर किस किस को ले जाएंगे, उसको कौन सफाई करेगा। बहुत आदमी है वो तो चलो कहीं भी कर लेते हैं, जैसा ये बता रहे हैं, जैसा कि बता रहे हैं, लेकिन दिक्कत लेडीज की है, जेंट्स तो यहीं खड़े हो गए, कहीं भी खड़े हो जाते हैं। लेडीजों के लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ये लोग क्या लेडीज घर में घरों में पूछे भैया बाथरूम हुआ है, कौन अपने घर में घुसेड़ेगा अननोन पर्सन को। पूरी मार्केट में एक टॉयलेट नहीं है, जो कह रहे थे सड़क पूरी टूटी पड़ी है, पैर मुड़ गया। आप पूछो इनसे, सोलह ए से बनाते हुए लाए हैं ये, यहाँ तक रोड बना दी इन्होंने। आगे ओल्ड फरीदाबाद में क्या, जहाँ लोग शॉपिंग करने जाते हैं, जो मेन एंट्री है पार्किंग, यहाँ से लोग घुसते हैं मार्केट के अंदर। ये ओल्ड फरीदाबाद का सबसे बड़ी शान है यहाँ की, ठीक है, यहाँ से लोग अंदर एंट्री करते हैं, सबके पैर मुड़ते हैं। तीन क्लिनिक है वहाँ पर, एक आई क्लिनिक है, एक फिजिशियन है और एक डेंटल है। पेशेंट जाते हैं, उनके पैर मुड़ जाते हैं, गिर जाता है, रिक्शे से पलट जाते हैं रोज लोग अपने। जो रोड यहाँ तक छोड़ दी, इसका क्या कारण है, आगे बनेगी नहीं बनेगी? सर ये हम क्या बोले, हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, रोड नहीं बनाएंगे तो क्या पता बनेगी नहीं बनेगी, आप आवाज पहुंचाओगे हमारी, हम कॉमन मैन है, हमारी कौन सुन रहा है, आप हमारी आवाज पहुंचाओ। कुछ तो कारण होगा कि ये छोड़ी क्यों है, तो पूरा करना चाहिए था। कौन क्लियर करता है, कौन बताता है इस बारे में, किसको बताया कोई, जो ऊपर से ऑर्डर आएंगे तब होगा, नहीं तो जहाँ तक छोड़ दिया छोड़ दिया, आधा छोड़ा आगे पकड़ लिया, आधा छोड़ा और आगे पकड़ लिया, यही तो हो रहा है, काम हो ही कहाँ रहे हैं। आप देख सकते हैं लोगों की अपार समस्याएं हैं, परेशान हैं अपनी समस्याओं को लेकर। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित है जी। जी रोहित जी क्या कहेंगे, कूड़ा पड़ा रहता है जी हमारे गली में, पानी की बड़ी समस्या है, पानी सुबह 4 बजे आता है, 4:30 मैक्सिमम 4:30 तक आता है बस, और कई बार तो हफ्ता हो जाता है पानी नहीं आता, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो इसके लिए कहीं आपने शिकायत करी पानी? शिकायत करते हैं हम, जाते हैं शिकायत, और उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता, वो रूडली बिहेव करते हैं और कोई सोल्यूशन नहीं होता। मेरा नाम कृपाल सिंह वाल्मीकि है, मैं वरिष्ठ कांग्रेस नेता हूँ फैदाबाद, वोट फैदाबाद से। ये जो भी मार्केट के लोगों की समस्याएँ हैं, भाई विवेक चौधरी ने जो उठाई है ये पब्लिक के, बहुत ही जायज मांगे हैं और मैं भी इनका समर्थन करता हूँ। इसमें ना ही 5 साल से माननीय नरेंद्र गुप्ता जी विधायक जी ने और ना ही सुभाष आहूजा जी ने इस एरिया में कोई भी काम नहीं करा विकास का, जहाँ सड़कें खुद गई वहाँ ना सीवर है, ना पानी है, ना निकाली। ये एरिया नहीं, आप पूरे शहर में जा कर सर्वे कीजिए, कोई भी एरिया कहीं भी कोई काम नहीं करा, ना सुभाष आहूजा जी ने करा। मैं बिल्कुल होश आवाज में ये बात कह रहा हूँ, कोई वैसे नहीं कह रहा, और ना ही नरेंद्र गुप्ता जी, और कई बार हम व्यक्तिगत रूप में भी और लिखित रूप में भी उनको ये डिमांड दे चुके हैं, और नगर निगम का तो ये कहते थे जी बजट नहीं आया, उनका केवल एक के अधिकारियों से मिलते हैं वो कहते हैं जी बजट नहीं आया, सड़क जब बनेगी, बजट नहीं आया, सीवर नहीं, इतनी बड़ी पार्किंग बन पर, यहाँ पर एक वॉशरूम नहीं है, रोड पूरी टूटी पड़ी है। क्या क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से या जो पार्षद, पार्षद तो अब कम से कम इतना तो जो MCF ऑफिस है, अगर कोई जाता है अपना हाउस टैक्स के बारे में पूछने या रिक्वेस्ट लेने, कम से कम उसे रूडली बिहेव ना करें, जैसे ये भाई गए थे वहाँ पर, मैं भी गया था, रूडली बिहेव करके हमें निकाल देते हैं, वो कहते हैं कि भैया हमारे पास नहीं है कोई सोल्यूशन। अब वहाँ तक सड़क बन गई है, आगे सड़क नहीं है, सबके चोट लगती है, यहाँ जाम लगते हैं, ऊपर से आ रहे होते जी। आप देख सकते हैं फरीदाबाद, ओल्ड फरीदाबाद मार्केट के जो दुकानदार हैं वो परेशान हैं पानी को लेकर। जी बाबू जी क्या नाम है आपका? रमेश। रमेश जी क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं कहूँगा,
बोला नहीं जाएगा। अच्छा, पानी वाले आप देख सकते हैं, जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे